Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10, exercise 10A के RS अग्रवाल publisher की solution question है. Chapter name is profit and loss for class 8. Question number 9. Question which is given, the cost price of 12 candles is equal to the selling price of 15 candles. यहाँ पे बोला जा रहा है कि cost price जो 12 कैंडल के हैं और उतना ही कॉस्ट जो है वो 15 कैंडल का है. सपोज दैट 100 रुपीज़ में अगर 12 कैंडल खरीदी गई तो 100 रुपीज़ में ही 15 कैंडल बेचे गए, कॉस्ट सेम है बट नंबर ऑफ कैंडल्स यहाँ पे क्या है, आपका जो खरीद करके जितना कैंडल लाया उस नंबर ऑफ कम है और जो बेचा गया वो उतना ही कॉस्ट में वो अधिक है. देयरफॉर यहाँ पे लॉस हुए. फाइंड द लॉस परसेंट, हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है. तो फिर वही काम करेंगे कि आपको लेट कर लेंगे एसपी एंड सीपी, है ना, एक एक कैंडल का कॉस्ट हम लेट कर लेंगे. लेट एसपी ऑफ वन कैंडल बी एक्स एंड सीपी वाई. ओके, देयरफॉर SP of 15 candles equal to 15x, है ना, एक कैंडल का कॉस्ट जो है वो x है. तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है ये है कि अगर सपोज दैट कहीं आप किसी शॉप पे आप पेन खरीदने के लिए गए हो और आपको खरीदना है 15 पेन और आप जो शॉपकीपर है आपने उससे पूछा कि वन पेन की कॉस्ट क्या है, उन्होंने कहा कि आपके वन पेन की कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ है और आपको 15 खरीदने, तो क्या किया आपको जो आप पेड करोगे वो 15 को 10 से यानी वन पेन की कॉस्ट से मल्टीपल कर दोगे. तो वही यहाँ पे मैंने किया, 15 कैंडल का कॉस्ट वन कैंडल के कॉस्ट के साथ मल्टीपल कर दिया. जब भी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों मल्टीपल की जाती है तो उनके बीच मल्टीपल की साइन नहीं दी जाती. ओके, अब सीपी फाइंड कर ले. सीपी ऑफ 12 कैंडल्स इक्वल टू 12x. हमारा क्या है कि 12 कैंडल की कॉस्ट, ये कॉस्ट प्राइस जो है वो 15 कैंडल की सेलिंग प्राइस के बराबर है. गिवन 15x इक्वल टू 12y. 15 एक्स अपॉन में ये वाई इस साइड ले आएंगे 12 एंड इस 15 को दूसरे साइड कर देंगे. एक्स अपॉन में वाई इक्वल टू 12 अपॉन में 15, इसे इक्वेशन 1 बना देंगे. ओके, अब हमें लॉस फाइंड करना है. तो लॉस क्या होता है, आपको लॉस में होता है सीपी माइनस में एसपी विच इज वाई माइनस में एक्स. लॉस परसेंट फाइंड करनी है. लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में सीपी मल्टीपल में 100. ओके, लॉस क्या है, वाई माइनस एक्स अपॉन में सीपी मल्टीपल 100. और सॉरी, ये सीपी तो हम लिखेंगे ना, सीपी क्या है हमारा वाई. अब यहाँ पे चेक करेंगे फिर से, ये y अपॉन में y माइनस x अपॉन में y. वी कैन राइट लाइक दिस. अगर इसकी सॉल्यूशन करोगे तो इस फॉर्म में आ जाएंगे. ये आ गया 100, देन ये कैंसिल हुआ 1 माइनस x अपॉन में y, इसे ब्रैकेट में डाल देंगे. x अपॉन y का हमने वैल्यू को फाइंड कर रखा है. ओके, देन 1 माइनस 12 अपॉन में 15 मल्टीपल 100. इनका एलसीएम निकालेंगे 15 माइनस 12 मल्टीपल 100 विच इज 3/15 मल्टीपल 100. सॉल्यूशन करें और भी कुछ यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, जो फाइंड करना था यहीं पे करना था. 3 5s and 5 20s. लॉस क्या हुए, 15%. लॉस परसेंट इक्वल टू 20%. आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें.